हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को हमारा इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स NSDL का फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे होता है और NSDL का फर्स्ट टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है कैसे होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ बताएंगे और आपको दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताएंगे आपको इस ID लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा और इसके लिए आपको कितना खर्चा होगा, वो भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ बताएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर NSDL का पाम ID लेना चाहता है तो इसमें आपको फ़ायदा होगा क्या, ठीक है। बहुत सारे भाई लोगों को एक ही कन्फ्यूजन हो जाता है, भाई हमको NSDL का पाम ID लेने के हमको फ़ायदा क्या होगा। तो एक्चुअली बेसिक में आप लोगों को बताऊं दोस्तों, अभी मेनली जो डिजिटल ज़माना में दोस्तों, डिजिटल आपको पता है दोस्तों 2022 में और भी डिजिटल हो चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है हमारा देश। और इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम लोग मान के चलो पेपरलेस अगर कोई भी पैन कार्ड अगर हम लोग बना लेंगे तो इसमें क्या होता है, हमको डॉक्यूमेंट जो होता है हमको देना पड़ता है फिर से हेड ऑफिस में। जैसे कि हम जो भी कंपनी से पैन कार्ड बनाए, UTI बनाए कि NSDL बनाए, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको डॉक्यूमेंट जो होता है हमको डायरेक्ट उसमें पोस्ट में देना पड़ता है कस्टमर केयर में, जैसे कि NSDL हो गया, UTI हो गया। लेकिन दोस्तों डिजिटल ज़माना में दोस्तों मेरा एक ही कहना है आप लोगों को, अगर आप लोग डिजिटल दुनिया में, डिजिटल इंडिया में काम करना चाहता है तो अभी दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट आपको आपका हैंड टू हैंड रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति मान के चलो आधार कार्ड पैन कार्ड वो जो भी बनाया है ऑनलाइन में, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारा साइबर कैम में क्या होता है, बहुत सारा भाई लोग UTI से बनाए, NSDL से बनाए, वो भी क्या बनाया है बोलो तो पेपरलेस बनाया, ठीक है। उस पेपर्स को क्या होगा, जमा करना पड़ता है। अभी कुछ कुछ क्षेत्र में क्या होता है, अभी माइनर का पैन कार्ड अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या बताया है, जो एक महीना का अंदर आपको पैन कार्ड हार्ड कॉपी आपको देना पड़ेगा, डायरेक्ट जो उसका डॉक्यूमेंट होगा तब वहाँ से वेरीफाई होकर आएगा। मैं डायरेक्ट यूट्यूब में भी सर्च किया था, वीडियो देखा था, तो यहाँ पर इस तरह बोला गया है। लेकिन डिजिटल दुनिया में क्या हो गया है, अभी आप खुद से KYC बायोमेट्रिक लगा के आप पैन कार्ड बना सकती है और इसमें आपको कोई झंझट नहीं है। दो फोटो आपको देना पड़ेगा, नहीं कोई आपको एक्स्ट्रा सिग्नेचर वगैरह करना है। आपको क्या होगा, आपको डिजिटल के रूम में आएगा, आप खुद से दोस्तों सिग्नेचर कर लेना आपका पैन कार्ड में, तो आपका पैन कार्ड बन जाता है। तो अभी आप ये भी बोल सकती हो, भाई पैन कार्ड हमारा कैसे होगा, हमारा जो पैन कार्ड बनेगा तो हमारा कैसे होगा। दोस्तों मेरे पास आज से कुछ दिन पहले एक पैन कार्ड मेरे पास आया था जो मैंने NSDL से बनाया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, इसमें दोस्तों पैन कार्ड, ये मान के चलो पैन कार्ड है, उसके नीचे एक ब्लैंक बोलो तो व्हाइट पेपर का ब्लैंक था, तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या मैं सिग्नेचर कर दिया हूँ, तो वही सिग्नेचर मेरा वैलिड हो गया। तो सबसे खास वजह ये है, अभी बहुत सारा भाई लोग बोल रहे हैं, भाई अगर हमारा आधार कार्ड में छोटा बच्चा का फोटो है तो क्या हम उस जगह में फोटो चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकती है, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन ए भी दिया गया है, अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी तक मेरे को भी पता नहीं खुद से, क्योंकि मैं अभी आज से स्टार्ट करेंगे पैन कार्ड बनाने का, और शायद मेरे को माल जितना भी जानकारी है मैं बहुत सारा भाई लोगों को वीडियो देखा हूँ, क्योंकि बहुत सारा भाई लोगों को देखो मान के चलो 10 साल में उसका आधार कार्ड बन गया है, लेकिन वो 20 साल में वो पैन कार्ड बनाया है, तो उसमें क्या होता है फोटो अलग से लगा जाता है, ठीक है। तो मैं देखा हूँ, प्रैक्टिकली चेक किया हूँ बहुत सारा भाई लोगों को, क्योंकि मेरा एरिया में बहुत सारा NSDL का पाम आईडी लेकर रखा है, तो वहाँ पर जाके मैं चेक किया था। तो आज दूसरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग NSDL का पाम आईडी लेना चाहता है तो इसमें क्या क्या आपको फीचर मिलेगा और इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। तो एक नंबर फायदा होगा यही, जो कस्टमर का विद इन 3 दिन का अंदर अब ID पासवर्ड हमारा पास आपको जनरेट हो जाएगा, 3 से 4 दिन में आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, और ऊपर से आप जो NSDL का ऑफिशियल साइट है, NSDL पाम जो ऑथराइज जो ID है वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ID जो है, यहाँ पर मान के चलो मेरा पास एक ID है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जैसे कि मेरा पास है ये NSDL पाम ID, ठीक है। ये ID जैसे कि मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा NSDL का पाम ID है यहाँ पे, और इस ID को मैं जैसे लॉगिन कर पा रहा हूँ NSDL पाम पोर्टल में, तो आप सेम दोस्तों 3 से 4 दिन का अंदर जब आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा तो आप NSDL पाम पोर्टल में आप लॉगिन कर सकती है। तो मेरा हिसाब से दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊँ तो डिजिटल दुनिया में आप अगर मान के चलो डिजिटल रूप में काम करना चाहता है तो आप कस्टमर को बोल दो, अभी क्या होता है मार्केट में जो जगह में जल्दी पैन कार्ड देता है, जो भी कम मैंने मान के चलो मेरा गाँव में 4 दुकानदार है, ठीक है, मेरा कोई मैं CSC से कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है स्पाइस मैन से कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं डायरेक्ट कंपनी से कर रहा हूँ NSDL का, तो जिसमें जल्दी पैन कार्ड मिलेगा उसी में सारा व्यक्ति क्या होगा, जो जितना भी व्यक्ति आएगा आपका पास पैन कार्ड बनाने के लिए वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसका पास चला जाए। क्योंकि दोस्तों उसका मान के चलो नया दुकान है और इसमें कोई भी बंदा है उसको पहचानता नहीं, ठीक है, मान के चलो उसका कोई भी बंदा पहचानता नहीं है, तो वह क्या करेगा, वो चुपके बैठ के रहेगा, लेकिन उसको क्या होता है, इसका काम जो होता है उसको फास्ट होता है,
तो जब उसको पता चलेगा जो भाई उसको उसको पास जो पैन कार्ड हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है, हमको 3 से 1 घंटा सॉरी इसमें 1 घंटा में बोला हूँ लेकिन 1 घंटा में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ टाइम लगता है होने के लिए, 1 से 2 घंटा भी आपको लग सकते हैं पैन कार्ड। बहुत सारा भाई लोग बहुत सारा आइटम में बोलता है लेकिन मेरा हिसाब से प्रैक्टिकली बताऊँ 1 घंटा से आपको ऊपर लगता है ई पैन कार्ड मिलने का, ठीक है 1 घंटा से ऊपर लगता है। तो 1 घंटा से ऊपर लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान के चलो ई पैन कार्ड आपको 1 घंटा में मिल जाता है तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। और कोई भी जगह में मान के चलो आप काम करने के लिए लगाएगा पैन कार्ड को, मान के चलो अभी तो हर जगह में जैसे कि मान के चलो मैं बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल का बात बोलूँ, अगर मान के चलो बहुत सारा भाई लोगों को जो भाई लेडीज होता है उसका जो डिजिटल कार्ड होता है पैन डिजिटल होता है वोटर कार्ड होता है उसको, क्योंकि उसका स्वामी का नाम नहीं रहता है, ठीक है सॉरी फादर का नाम नहीं रहता है, बाप का नाम नहीं रहता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है मान के चलो अभी तो पता है अभी दुआरे सरकार हो रहा है ममता का जो हमारा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है दुआरे सरकार, तो यहाँ पे क्या होता है SC ST कार्ड और जो SC ST OBC कार्ड जो हम लोग बना रहे हैं ऑनलाइन में, तो यहाँ पे क्या होता है उसका फादर्स का नाम नहीं रहता है, तो जब हम उसको जमा करने के लिए जाता है तो वहाँ पे सब सब बोलता है तुम्हारा पिताजी का नाम नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसका खेतर में क्या होता है अगर मान के चलो उसका पैन कार्ड 1 घंटा में मिल जाएगा, मान के चलो सपोज 1 दिन में मिल जाएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा वो दुआरे सरकार में जाके पैन कार्ड दिखा के उसको फादर का नाम होगा पैन कार्ड में, तब वो उसका जो फॉर्म होगा जमा लेगा। तो आप लोग एक्चुअली समझ लिया है अगर कोई व्यक्ति का SC ST OBC कार्ड बना रहा है और उसका फादर्स का नाम नहीं है बाप का नाम नहीं है उस जगह में स्वामी का नाम है बोलते जो उसका पति का नाम है, तो वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट जो होता है पैन कार्ड का रूप में देके आप SC ST कार्ड को बना सकते हैं। मैं भी प्रैक्टिकली किया हूँ क्योंकि मेरा खुद का मेरा मम्मी का ऐसा हुआ था जो पहले उसको पापा का नाम नहीं था, जब मैं पैन कार्ड बनाया हूँ उसके बाद फिर जमा दिया हूँ तो मेरा हो गया है, तो ऐसा करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा हिसाब से आप लोगों को अगर NSDL पाम ID लेना है तो आप बहुत अच्छा से ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है इस ID लेने के लिए, बिल्कुल क्या क्या आपको चीज़ें देना पड़ेगा। अभी ये भी बोल सकते हैं बहुत सारा भाई लोग बोल रहे हैं भाई अभी हमारा साथ बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है मार्केट में, हमारा पैसा भी लूट लिया है, तो मैं आप लोग एक ही रिक्वेस्ट करेंगे मेरे को 50% पेमेंट करना है, जब आपका ID पासवर्ड मिल जाएगा तब आपको फुल पेमेंट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, डेस्कटॉप में आपको दिखाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। चलिए देख पा रहा है डायरेक्ट हम लोग गूगल में है, ठीक है तो गूगल में आपको सैंपल क्या लेना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो का माध्यम से, क्योंकि अगर आप लोग NSDL का पाम ID लेना चाहता है तो आप हमारा वीडियो को सही में देख रहा है, तो आपको सैंपल यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सैंपल दोस्तों आप लिख सकती है NSDL पाम ID कैसे बना ये भी लिख सकती है, अगर दोस्तों आप डायरेक्ट मेरा चैनल का माध्यम से लेना चाहता है तो चलिए इसमें सैंपल लेना है डिजिटल अशोक स्टोर, दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर डिजिटल अशोक स्टोर हमको डालकर इंटर कर देंगे। जब दोस्तों हम डिजिटल अशोक स्टोर डालेंगे, डालने के बाद हमारा सामने इस तरह का आर्टिकल खुल के आ जाएगा, तो इस आर्टिकल को आपको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पोस्ट किया था 22 तारीख को, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे NSDL पैन कार्ड एजेंसी 2022 न्यू ऑफर NSDL पाम ID कैसे ले, इस टाइटल को लिखेगा तब भी आप ले सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में जब आप रीड मोर में क्लिक करेगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह में हमारा आर्टिकल बना के रखा है, अगर आप NSDL का पैन कार्ड सेंटर अपना शॉप में खोलना चाहता है तो आप हमारा साथ NSDL मिनी ब्रांच लेकर आप काम कर सकती है, ये भी आप मेरा को पूछ सकती है जो पैन कार्ड के लिए हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमारा आर्टिकल का लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट इस जगह में भी हम देख के रखा, जैसे कि यहाँ पे अगर मान को चलो आप लोग विश्वास बोल तो प्रॉब्लम हो रहा है आपको पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल का भी लिंक भी देकर रखा, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है डिजिटल अशोक स्टोर यहाँ पे है और टेज वाला बाबू है, ठीक है टेज में देख पा रहे टेज वाला बाबू है और डिजिटल अशोक स्टोर। तो चलिए दोस्तों हम इसमें बारे में नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट हम इस जगह होम में आ जाएंगे। होम में आने के बाद दोस्तों जो हमारा डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है इसमें आपको सैंपल क्लिक करना, क्या पे क्लिक करना है इसमें सैंपल 2 नंबर ऑप्शन में चला जाना है। 2 नंबर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 2 नंबर आर्टिकल होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकती है एयरटेल पेमेंट बैंक रिटेलर न्यू कमीशन चार्ट, यहाँ पे सैंपल आपको रीड कर लेना है। जब दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपका सामने बहुत सारा जो डिटेल्स होता है इस कंपनी का, जैसे कि मान के चलो मैं NSDL का बारे में बात कर रहा हूँ तो आप NSDL का कंपनी का ID इस जगह से ले सकती है। और चलिए यहाँ पे दोस्तों आ चुका है, हम लोग देख पा रहे हैं इसमें NSDL के लिए ID मिलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का बारे में यहाँ पे देख के रखा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको NSDL का ID लेना है ना, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देख पा रहा है, चलिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे NSDL पाम ID जो NSDL पाम ID ना ले सकती कैसे खोल सकती है उसके लिए दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट लिया है NSDL पाम ID डॉक्यूमेंट रिकमेंड, इसमें दोस्तों बता रहा है आधार कार्ड जेरोक्स चाहिए बोलो तो JPEG फोटो चाहिए, पैन कार्ड का JPEG फोटो चाहिए, बैंक पासबुक का JPEG चाहिए, पासपोर्ट साइज लाइव फोटो चाहिए सेल्फी,
जो भी बैंक का अगर मान के चलो आपका आईडी बोलो तो यही पे संचालक है, स्पाइस मनी, RNFI, पेन ईयर, जो भी कंपनी का अगर मान के चलो आईडी लेके रखा है तो उसका दोस्तों रिटेलर सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर अगर आपके पास दो अल्टरनेट फोन नंबर है अभी दे सकती है, ईमेल आईडी शॉप नेम आप देख सकती है हमारा व्हाट्सएप में, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे देख पा रहा है। NSDL आईडी लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकती है हमारा इस नंबर में दोस्तों। इस नंबर में आपको कॉल करने का टाइम जो है तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। और दोस्तों अगर आप लोग व्हाट्सएप सपोर्ट में मेरा साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस जगह में आप देख सकती है मेरे को सुबह व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए दोस्तों आपको 24/7 आपको सपोर्ट मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सपोर्ट के लिए दोस्तों हमारे पास टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा पूरा आर्टिकल यहाँ पे देख के रखा है। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, वीडियो लंबा हो चुका है, शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी मिल गया है इस आईडी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे कुछ नया।